किसान आंदोलन के इक्यावनवे दिन कुछ इसी तरह से दिल्ली कोलकाता चंडीगढ़ और भोपाल समेत पूरे देश में कांग्रेस सड़क पर उतरी कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में राजभवन तक मार्च किया राहुल और प्रियंका आंदोलनकारी किसानों के बीच भी गए उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला भी बोला नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो तीन चार उद्योग करने को देखिए वो तीन चार उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म वो बारह फटा सीधी सी बात है इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंट्रोलर तो कोई सवाल यही है कि राहुल गांधी जब इतनी बड़ी बात कहते हैं तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की गंभीरता पर भी सवाल उठते हैं पिछले डेढ़ महीने से दिल्ली में एक मूवमेंट चल रहा है यदि कृषि कानून काले हैं, तो ये काम विपक्ष का है कि वो सबसे पहले सरकार को आईना दिखाए लेकिन 50 दिनों बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ आंदोलन का पीछा ही कर रही है, वो भी ट्रैक्टर से। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं हड़ताल पर बैठे हैं आज जो ये तीन कानून बनाए इससे निजीकरण हमारे कृषि क्षेत्र का जो हमारा समर्थन मूल्य था जो संभावना भी बची थी वो भी चौपट ये केवल व्यापारी और बड़े उद्योगों के लिए है स्टॉक लिमिट बंद कर दिया इसमें एक नुकसान नहीं कम से कम सौ है दूसरी तरफ सरकार कृषि कानूनों को लेकर बेहद सजग और गंभीर दिखती है आंदोलनकारियों से एक के बाद एक सुलह की कोशिश भी हो रही है बातचीत दसवें दौर तक आ पहुंची है लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस कहां खड़ी है यह उसे सोचना होगा देखिए कांग्रेस पार्टी पहले भी इस तरह के सारे प्रपंच कर चुकी है उस खर्ड सम्मेलन में राहुल गांधी जी का क्या है हुआ था सबको मालूम है अब राहुल गांधी खुद तो विदेशों में ठाट में घूम रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो खर्ड सम्मेलन करें ये नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से इस कानून को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया है वो निश्चित रूप से अपने आप में स्वागत योग्य है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे आया है लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजनीति करना चाहती है वो किसान संगठनों को भी कभी स्वीकार्य नहीं कृषि कानूनों पर देश की सबसे बड़ी अदालत भी गंभीर है फिलहाल कानूनों पर स्टे लगा दिया है उधर कृषि कानूनों की खिलाफत को लेकर केंद्र सरकार भी फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है ऐसा लगता है कि बीजेपी आंदोलनकारियों से कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहती आने वाले दिनों में सरकार समाधान की तरफ बढ़ती भी दिखती है लेकिन सवाल ये है कि दो तीन राज्यों को छोड़ दें तो देश के बाकी प्रदेश कृषि कानूनों पर खामोश ही दिखते हैं ऐसे में कांग्रेस किसान के सहारे फिर से अपनी सियासी फसल काट पाएगी और बीजेपी से टक्कर ले पाएगी ये सवाल के मन में भी हलचल मचा रहा होगा। नमस्कार मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है उधार का आंदोलन ये शब्द थोड़ा चुपता हुआ है हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस की मंशा जो है वो पूरी तरह से पटरी छोड़ चुकी है एक विपक्ष के नाते उसे जो करना चाहिए उसने करने की कोशिश की है लेकिन ये सवाल उसका पीछा जरूर करेंगे कि अगर वो किसानों के इस मुद्दे पर या किसान कानून को लेकर उसकी आपत्ति बहुत गंभीर आरंभ से रही है इन कानूनों के समर्थन में तो उसका स्वर शुरू से नहीं रहा है लेकिन अगर वो इसकी मुखालफत पुरजोर तरीके से करती है तो ये तरीका जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी या तमाम बड़े नेता क्यों धरनास्थल नहीं पहुंचे और क्यों अपना समर्थन या एकजुटता का एक संदेश नहीं दिया शायद कांग्रेस की अपनी अंदरूनी इसमें चुनौतियां रही हों या फिर आंदोलन को देखकर उसको उसका आकलन करके आगे बढ़ने की कोशिश रही हो लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विपक्ष लीड करता है जिस तरह से हमने देखा कि 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी और कांग्रेस की यूपीए सरकार की मुखालफत करने वाले जो दूसरे दल थे उन्होंने जिस तरह अन्ना हजारे और केजरीवाल साहब को आगे रखकर एक बड़ा मूवमेंट यूपीए सरकार के खिलाफ खड़ा किया था और बीजेपी उसमें पर्दे के सामने भी थी और पर्दे के पीछे भी थी कांग्रेस वैसा मूवमेंट क्रिएट क्यों नहीं कर पाती ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी भूमिका अदा करना ये ठीक है राजनीति आजकल प्रतीकों में बहुत उलझती है इससे कोई एतराज नहीं और इस पर कांग्रेस पर तोहमत भी नहीं डाली जा सकती कि वही क्यों करती है तमाम राजनीतिक दल करते हैं ये चीज़ें लेकिन फिर भी ये सब करते हुए कांग्रेस वैसी नजर नहीं आई जैसी एक धारदार तेवर वाली विपक्षी पार्टी नजर आती है शुभकामनाएं उसको कि आगे वो अपनी धार तेज करे क्योंकि ये लोकतंत्र के हित में भी है वो एक विपक्षी दल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाए लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में हुई हैं और इनके पीछे कहीं सामने आने की एक हड़बड़ी और जल्दबाजी भी दिखाई दी आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या कोशिशें हैं किस तरह से आगे बढ़ना है हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर साहब और मोहन सिंह राठौर हैं बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले एक टिप्पणी चैतन्य भट्ट साहब की चैतन्य भट्ट साहब कितना इतफाक आप रखते हैं कि ट्रैक्टर से पीछा करने की कोशिश किसान आंदोलन या उस मुद्दे की जिसकी शायद कांग्रेस को तलाश है ट्रैक्टर एक तो चलता भी धीमे है और चलिए ट्रैक्टर अगर चल भी पड़ा तो पार्टी के भीतर बहुत कुछ अभी ठप पड़ा है रुका हुआ है किस तरह देखते हैं आप टोटलिटी में कांग्रेस के मूव को इस कदम को जी शरद जी सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने यह है कि ये कांग्रेस अब वो पुरानी वाली ट्यूबलाइट हो गई है अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट आ गई जिसमें बटन दबाओ तुरंत रोशनी हो जाती लेकिन पहले की ट्यूबलाइटों पे आप बटन दबाओ थोड़ी देर बाद वो जागती थी वो स्थिति कांग्रेस की कांग्रेस अपने ये तय नहीं कर पाती कि हमको अपना अगला कदम क्या उठाना है आप देखिए कि इक्यावन दिनों से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है ये बात अलहदा है कि किसानों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया अपने मंच पे नहीं बिठाया लेकिन फिर भी अगर पर्दे के पीछे से भी अगर आप सपोर्ट करते होते और एक विपक्ष के नाते एक तगड़े विपक्ष के नाते अगर कांग्रेस के किसानों के आंदोलन को आप आगे बढ़ाते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को भी दबाव में आना पड़ता जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो आंदोलन है वो बहुत व्यापक हो गया है पूरे देश में फैल गया है अभी आपने दिखाया भी कि कलकत्ता में चंडीगढ़ में सब जगह पे भोपाल में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं इस मामले में दिक्कत क्या है कि आप देखिए कि नौ दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन जो तीन दिसंबर को सबसे पहली बातचीत हुई थी और आज पंद्रह जनवरी को जो बातचीत हुई वो स्थिति जस के तस है उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन आया नहीं है क्योंकि दोनों ही द, जो पार्टियां हैं वो अपने अपने रुख पे पूरी तरह से कायम है किसानों का कहना है कि साहब आप कह रहे हो कि हमारे भले के लिए है कानून लेकिन आप हमारे भले के लिए नहीं है तो हमारे लिए फांसी का पंदा वहीं सरकार कहती है कि नहीं ये किसानों के लिए भले के कानून है ऐसी स्थिति में बातचीत का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चार लोगों की कमेटी बनाई थी उस पर भी कांग्रेस किसानों को ऐतराज़ है कि ये तो शुरू से समर्थन करते आए इन बिलों का और उसमें से मान सिंह मान जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया तो ऐसी स्थिति में मामला कहाँ जा निपटेगा ये कहना बड़ा कठिन है क्योंकि सरकार कानून वापस करने के लिए तैयार नहीं है इधर किसान कहते हैं कि हम तो सन 2024 तक यहाँ बैठे रहेंगे लेकिन ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है थोड़ा सा सरकार को भी ये जो संवेदनशीलता अपनानी चाहिए क्योंकि ठंड में लोग वहाँ पर मर रहे हैं बैठे हुए हैं तो इस मामले में थोड़ा तो लचीला रुख अब सरकार को भी अपनाना चाहिए चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है लेकिन यहाँ हमारा मसला ये भी है जो मुख्य मसला है कि कांग्रेस जिस तरह से चेस करने की कोशिश कर रही है अगर उसे एक अपनी ताकत विपक्ष के तौर पर स्थापित करनी है और तमाम जो बीजेपी का विरोध करने वाले दूसरे राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य से जुड़े हुए उन्हें भी अपने साथ लाना है तो उसे एक पोटेंशियल शो करना पड़ेगा जैसा नब्बे के दशक में उसने शो किया था और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था और 2000 के बाद उसकी सरकार जो बनी तो वो दस सालों तक केंद्र में सत्ता में रही ब्रिजेंद जी आपकी तरफ मैं आता हूँ जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ी है इस मसले पर बिल्कुल उसका अधिकार है उसका राइट है लेकिन ये भी सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें बहुत मुखर होकर आरंभ से क्यों नहीं रही है? जिस तरह से तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए किसानों के इस मसले को लेकर मैं ये नहीं कहता कि वो सामने नहीं आए हैं लेकिन एक एकजुट प्रदर्शन जो होता है देश की राजधानी में दिल्ली में कांग्रेस अपनी ताकत भी दिखा सकती थी उसके ज़रिए बाद में जो प्रतीकात्मक प्रदर्शन होते हैं मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ही करती है ये बीजेपी भी करती है तमाम दूसरे दल भी करते हैं लेकिन क्या नहीं लगता आपको बड़ी देर की मेहरबा आते आते जी देखिए दुबे जी जी इस देश का बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे हम पहले तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती थी लेकिन अब ये बात समझ में आने लगी है जी कि जब कोई दम्बकारी सरकार हो घमंड से चूर चूर सरकार हो पचास पचास दिन हिंदुस्तान का किसान बच्चों से लेके बुजुर्ग तक ठंड में बरसात में वहां पर सड़कों पर पड़े हो जी। और उसके बावजूद भी सरकार की संवेदनशीलता ना जागती हो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश के लिए हो नहीं सकता मैं आपसे कहता हूं पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने पूरी ताकत इस बात पर खर्च की कि वो खालिस्तानी लोग बैठ गए हैं फिर का पाकिस्तानी बैठ गए हैं जब वो भी मामला फेल हो गया तो चीन की तरफ वोट डाल दी फिर ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस इसके पीछे है, या दूसरे बाम दल इसके पीछे यदि जैसे आपने प्रश्न किया कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के साथ खड़ी रही और हमेशा जो है किसानों के साथ नाता उसका रहा और उदाहरण आपके सामने है कि अगर सबसे बड़ा कोई राहत मिली थी तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किसानों के खाते में सत्तावन हजार करोड़ रुपए डालने का काम कांग्रेस ने किया था केवल बातें नहीं की थी जहां तक इस आंदोलन का सवाल है जो अब बड़ी क्रांति का रूप ले चुका है देश में अब यह केवल आंदोलन नहीं रहा पहले कहा पंजाब का है फिर कहा हरियाणा का है फिर कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है फिर कहा राजस्थान का है अब जब केरल से लेके और बंगाल तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसकी आवाज गूंज रही है तो एक क्रांति का रूप ले चुकी है यदि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस पर सहयोग करना शुरू करती और सड़कों पे आती तो हमारा मकसद कोई किसानों का राजनीतिकरण करना नहीं था हम लोग इसलिए चुपचाप थे कि पहले किसानों का जब आंदोलन है हमारा अन्नदाता जिसके दम के ऊपर हमारा देश चलता है और हम सबको खाने को भोजन मिलता है ये सरकार उनकी बात को सुनेगी संवेदनशीलता दिखाएगी लेकिन जब सत्तावन लोग मारे गए और उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में 20 किलोमीटर जाने का समय नहीं मिला देश के एक भी केंद्र के मंत्री को 15 किलोमीटर दूर जाने का समय नहीं मिला यह प्रश्न राहुल गांधी जी से नहीं बनता है कि आप इतने दिन कहा थे ये प्रश्न बनता है प्रधानमंत्री जी से और भारत की सरकार से कि आप क्यों सोते रहे आपको क्यों पंद्रह किलोमीटर जाने का वक्त नहीं मिला आपने क्यों नहीं किसानों के बीच में जाके उनके दुख दर्द को समझने का काम किया कांग्रेस पार्टी पहले चुप रही लेकिन जब हमने देखा कि ये बात नहीं सुनी जा रही है तब पूरी ताकत के साथ अब सड़कों के ऊपर कांग्रेस आई है और राहुल गांधी जी से लेके देश के कोने कोने में ये आंदोलन शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश में इसलिए आज आपने देखा 500 स्थानों के ऊपर मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार दूस, भी दूसरे चरण में फिर लौटूंगा आपकी तरफ। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है किसान के लिए जान लगाना पड़ेगी तो जान लगाने के लिए तैयार रहेंगे हमारा ये भी कहना है लेकिन ब्रिजेंद जी हर हम तर्ज में शामिल हो ट्रैक्टर चलेगा बिल्कुल चले और आपका प्रतीकात्मक विरोध हो या आपका विपक्ष के नाते एक जो सच्चा और सकारात्मक विरोध हो वो भी चलता रहे लेकिन और फैसले भी हों कि नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर ब्रिजेंद्र सिंह राठौर बिल्कुल उपयुक्त हैं तो निर्णय हो और उनको बिठाया जाए उस पर वो भी ट्रैक्टर चले जिसमें डिसीशंस हो नेता प्रतिपक्ष के और तमाम इस पर भी आऊँगा मैं दूसरे चरण में आ, लेकिन मोहन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मोहन जी आपने सारी बातें सुनी आ, इसके पहले इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर पत्रकार के तौर पर चैतन्य जी की और जी की क्या कहेंगे आप कि किस तरह देखते हैं आप जी हम्म बोलिए मोहन जी जी देखिए मान्य मैं आपको दुबे जी एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, कि पहले दिन, दिन से जब ये कृषि बिल पास हुए लोकसभा में विधानसभा में जी उसके नहीं 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 मैं 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 सत्य के साथ हूं और जो सही बात है उसको कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से जब यह बिल पास हुआ उसके बाद जब किसानों ने अपनी बात रखी या जिन लोगों ने भी अपनी बात रखी पहले दिन ये साफ कर दिया था कि इसमें जो भी त्रुटियां रही होंगी उनको दूर कर लिया जाएगा और उन त्रुटियों को दूर करने की दिशा में माननीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लगातार कई दौर की बातचीत की है किसानों से किसानों को समझाने की भी बात की है किसानों को सारी चीजें स्पष्ट की इस इस और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहे हैं हैं कि जो भी कहीं कमियां रह गई उन कमियों को किसानों के हित में दूर किया जाएगा जहां तक कृषि बिल की बात है तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे 2024 तक और 28 तक हम इसको दुगनी आय कर देंगे तो ऐसे तो होगी नहीं कि कांग्रेस पार्टी की तरह शांत बैठे रहे और आ, कुछ करें नहीं भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और कभी कभी कुछ कठोर निर्णय भी होते हैं जो हम जिसको जिसके लिए भी कर रहे हैं वो समय समझाता है अभी बेशक हमारे किसान भाइयों को थोड़ी बातें जो बरगला दिया गया है या जो कुछ गलत फेहमियां पैदा कर दी गई हैं किसानों को ये बातें नहीं समझ में अगर आ रही तो उनको केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री सब लोग पूरी सब स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए तैयार है मानी सुप्रीम कोर्ट में भी यह विचाराधीन है तो इन सारी चीजों पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसा रख के इस बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हिंदुस्तान का किसान जो तमाम सारी मुश्किलों से गुजर रहा है जो इस देश का अन्नदाता है जिसके ऊपर सारा आ, पूरा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है वे सारे लोगों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं ये बहुत दूरगामी निर्णय है और आगे आने वाले समय में किसान के हित के निर्णय है रही कुछ बात अगर ऐसी है कि जिससे किसानों को लगता है कि ये बातें और करनी चाहिए तो उस पर भी केंद्र की सरकार तैयार है अब जैसे एक मैं छोटी सी बात कर दूं कि अभी किसान इस बात को करता है कि भाई मंडियां खत्म हो रही है अरे मंडी खत्म नहीं हो रही है अभी तक किसान की फसल को बेचने का एकमात्र स्थान था जहां व्यापारी मनचाही कीमतों पे किसान की फसल खरीदता था लेकिन अब उसको पूरा खुला हुआ बाजार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो मंडी में बेचे वो चाहे तो खेत पर बेचे चलिए वो जिस तरह से भी चाहे लेकिन उसको उचित मूल्य मिले बिल्कुल तो जी जी बिल्कुल ठीक है आ, ये तमाम बातें उठी रही है और किसान के सामने भी रखी जा रही है और किसान भी इनको सुन रहा है समझ रहा है और अपनी असहमति के साथ मैदान में भी डटा है और एक लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब अपनी असहमतियों के साथ सामने आते हैं अपनी जो भी हमारी गहर पसंद है उसके साथ हम सामने आते हैं और फिर भी हम एक टेबल पर बैठकर बात भी करते हैं और हम भी ये समझते हैं कि ये मसला भी एक रैशनल कंक्लूजन तक एक न्यायोचित समाधान तक उचित समाधान तक ज़रूर पहुँचेगा चैतन्य साहब फिर मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ कि इस मसले पर कांग्रेस को जैसा जोर लगाना था वैसा जोर शायद नहीं लगा अगर इस पर आरंभ से ही जैसा आपने भी कहा कि किसान संगठन नहीं चाहते थे कि राजनीति का मंच बने क्योंकि उससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है लेकिन कांग्रेस पूरे देश में और ख़ासतौर से दिल्ली में अगर राहुल गांधी सड़क पर निकल कर गिरफ्तारी देते तमाम बड़े नेता कोर्ट अरेस्ट जो होता है वो करते आ, तो ये आंदोलन जो है और उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं है क्योंकि एक ये भी उंगली उठाई जा रही है कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां आंदोलन का जोर अधिक है जो स्वाभाविक भी है अलग अलग कारणों से आ, लेकिन कांग्रेस का जैसा जोर होना था वैसा जोर क्या आपको नजर आया जबकि मध्य प्रदेश में वो किसानों के मुद्दे पर ही दो में सत्ता में आई थी लेकिन इस मसले पर मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ी रिपल्स कांग्रेस क्रिएट नहीं कर पाई जी चैतन्य साहब नहीं देखिए मैं मैं आपसे भी यही बोल रहा हूं कि कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि निर्णय नहीं ले पाते ये लोग इनका जो हाई कमान है वो निर्णय लेने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सक्षम है हर चीज जब तक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है जब तब वो निर्णय लेते हैं मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के पीछे भी वही कारण था कि आप किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे थे ना आप निगम मंडल बना रहे थे ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं एडजस्ट कर रहे थे तो ये सारी दिक्कतें इनके साथ हैं ये निर्णय नहीं ले पाते और इसके कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही बीजेपी की संग सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो निर्णय ले, ले लेती है वो गलत हो सही हो वो एक अलग मुद्दा है लेकिन वो निर्णय लेने में सक्षम है जहाँ तक आपके मोहन जी ने कहा कि लोगों को किसानों को बरगला रहे हैं लोग मुझे लगता है कि लाखों किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको कौन बरगला सकता है किसान अपनी जो समस्या है वो बेहतर ढंग से जानता है बनस्पत राजनीतिज्ञों के और अफसरों के आपने जीएसटी पूरे देश को समझा दिया आपने नोटबंदी पूरे देश को समझा दिया, आपने धारा 370 सौ सत्तर अपने सारे देश को समझा दिया आपने एनआरसी सारे देश को समझा दिया, लेकिन किसानों को आप नहीं समझा पा रहे ये तो बड़ी मतलब बड़ी विचित्र सी बात है और उस पर फिर इस तरह का आरोप के कांग्रेस और वाम दल उनको बरगला रहे तो मुझे तो लगता है कि आपकी पूरी सरकार है तीन से ज्यादा आपके सांसद हैं मुख्यमंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हैं वो समझाने में लगे हुए हैं उसके बाद अगर कांग्रेस किसान नहीं समझ रहे हो कांग्रेस के बहकावे में आ रहे तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत तो ज्यादा सवाल ये है कि आप किसी भी मुद्दे को अगर नाक का बाल बना लेंगे जी बात पूरी कर लें आप बात पूरी कर लें आप बात पूरी कर लें जी 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 हाँ नाक का अगर आप बाल बाल बना लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई समझौता हो पाएगा अगर किसानों को लगता है कि हमारे भले की चीज़ नहीं है तो आप एक बार उन कानूनों को रद्द कर दें फिर नए सिरे से बुलाएं सब सारे प्रतिनिधियों को बुला लें अधिकारियों को बुला लें कृषि विशेषज्ञों को बुला लें किसानों के प्रति और फिर नया कानून बना दें कौन सी बड़ी चीज़ संसद में कानून बनता है फिर से बन जाएगा जी हाँ ये ठीक चीज़ें हैं लेकिन राजनीति और राजनीति का जो चेहरा होता है और उसी के साथ कई बार Uh, कई ऐसे मसले भी होते हैं जिसमें आप एक बड़े रिफॉर्म की तरफ जब बढ़ जाते हैं तो वो बड़ी कठिनाई हो जाती है क्योंकि राजनीति का पारंपरिक चेहरा कई बार माफ़ कीजिएगा मैं इस शब्द का अगर प्रयोग करूं कि एक पारंपरिक चेहरा राजनीति का पता नहीं क्यों ऐसा बना दिया गया है कि वो हमेशा एंटी uh, पॉपुलिस्ट uh, चेहरे की तरफ चला जाता है ये मान लिया जाता है कि सरकार है तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा किसी किसी ताकत का इसमें कहीं ना कहीं हाथ होगा इसके पीछे कोई मजबूत लॉबी होगी ये परसेप्शन कई बार चीज़ों को कई बार बहुत परेशानी की तरफ ले जाते हैं सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो ब्रिजेंद जी मैं फिर मुद्दे की तरफ लौटता हूँ ब्रिजेंद्र सिंह राठौर की आवाज़ भी बुलंद है बुंदेलखंड के बुलंद नेता भी हैं और हर दृष्टि से वरिष्ठता सक्षमता हर दृष्टि से सुयोग्य व्यक्ति है अरे भैया किसान आंदोलन पर निर्णय कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मसलों पर भी निर्णय करिए और बिल्कुल राहुल जी को उतनी तवज्जो मध्य प्रदेश को देनी चाहिए 2018 में उनकी सरकार रही है यहाँ जो 13-14 महीने चली भी है और भी आगे चल सकती थी कुछ चूके हो गई चलिए उनको भी छोड़िए लेकिन अभी भी निर्णय नहीं है ब्रिजेंद जी भी सोच रहे हैं आगे मुस्तकबिल क्या होगा और डॉक्टर गोविंद सिंह भी सोच रहे हैं आगे मुस्तकबिल क्या होगा तो निर्णय तो करे कांग्रेस ब्रिजेंद जी हम्म सर जी देखिये देखिए बिल्कुल कहीं कोई नहीं सोच रहा है और व्यक्तिगत रूप से अगर आपने मेरी बात की है आप, आप का धन्यवाद है मैं आप इतने वर्षों में जानते हो चालीस साल मुझे हो गया राजनीति में मैं कभी पदों के पीछे भागता नहीं हूँ भगवान की कृपा से जनता के बीच में रहता हूँ ताकत से मेहनत करता हूं उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ खुश रहता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ जी जी ना ये दो आप सबकी दुआएं हैं मोहन भैया का भी प्रेम है और चैतन्य जी का भी स्नेह है आप सब लोगों की बदौलत ही सब है तो खैर मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूं अभी हमारे भाई मोहन सिंह जी ने बताया कि सरकार बहुत किसानों के लिए हित का निर्णय कर रही है मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं हिमाचल में सेब सबसे ज्यादा होता है जी कश्मीर और हिमाचल आप पता करिए वहां पर जो सेब होता था और वहाँ के व्यापारी सेब को खरीदते थे और उसके बाद जो है वो बेच देते थे अभी कुछ समय से देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा उनका सीधा का सीधा दो साल से काफी महंगे दाम के ऊपर सेव खरीदा गया जी। और वो पूरा भंडारण उन्होंने अपने हिसाब से किया और बाद में दो साल के बाद हालत ये हुई कि बीच का व्यापारी खत्म हो गया और तीसरे साल में मिट्टी के भाव भी उस सेब की कीमत नहीं रही

वो अगर किसान है तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके हमारे अन्नदाता को जबरदस्ती आप चिढ़ाने का काम क्यों कर रहे हो आप प्रेम मोहब्बत से उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं आज आप देखिए मैं आपसे दूसरा संवेदनता की बात करता हूँ कल मुरैना में आपको पता है छब्बीस लोग से ऊपर मारे गए जहरीली शराब की वजह से बीजेपी का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा मैं खुद 400 किलोमीटर दूर से जाके उनके दुख दर्द में और उनके अंत्येष्टि में शामिल हुआ क्या यह सरकार का विषय नहीं था बीजेपी के मंत्री जो हमारे हैं मध्य प्रदेश चलिए मैं जवाब लेता हूं मंत्री तो बीजेपी और कांग्रेस का नहीं होता जवाब लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जी चलिए मैं जवाब तो ये किसान जब फायदा आपसे नहीं मांग रहे हैं आप जबरदस्ती उनका गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं कई बातें कही हैं है उनसे आप बात करिए उनके बीच में जाइए संवाद की बात की है किसानों के समाप्त सर्वदलीय बैठक करिए और उसका निर्णय करिए ताकि समापन हो क्या कहेंगे मोहन जी मोहन जी जी और इनका कर्जा जो छूट गया वो भी माफ करा दो अब तो आप शासन में हो कर्जा माफ कब करोगे वो भी आ, तो जी आ, हुँ, आ, हुँ, जी अब जो 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 आदरणीय राठौर साहब आपने और आपकी सरकार ने जो कर्जा माफी की बात की थी आप उसमें पूरी तरह से फेल रहे आपने उसको नहीं किया अब भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर पर निर्णय लेगी समय आते आते सब कुछ होगा लाख किसानों का सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ आप भी उसके अंग थे हिंदुस्तान का जो टोटल किसान है टोटल किसान जो है चलिए आप मैं मैंने आपकी सुनी आप मेरी सुन लीजिए टोटल जो किसान है उसमें से बड़ा किसान जो सैकड़ों बीघा जिसकी खेती है वो पंद्रह से बीस परसेंट है बाकी मध्यम वर्गीय किसान और लघु किसान वो पूरी तरह से इन कृषि कानूनों का फायदा लेगा अब जो बड़े किसान है अगर उनको लगता है कि भाई उनका नुकसान हो रहा है तो उसमें जो भी समझौते हो सकते हैं जो भी संशोधन हो सकते हैं उसके लिए हमारी केंद्र सरकार तैयार है माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी जी और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के रूप में लगातार किसानों से बात कर रहे हैं लेकिन इस पूरे मूवमेंट को जिस तरह से चलाया जा रहा है उसमें जो गरीब किसान है जो गांव में बैठा है वो आज भी अपनी खेती कर रहा है वो कहीं भी कहीं उसका कोई मूवमेंट नहीं है वो इस बात को समझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी पूरा एक मूवमेंट चढ़ाया किसानों को उनकी वास्तविकताओं को बताने के लिए हम भी छोटे छोटे स्तरों पर गए लगातार लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो छोटा किसान है मध्यम वर्गीय किसान है वो इन चीजों से धीरे धीरे आश्वस्त हो रहा है कुछ उसकी बातें हैं कुछ उसकी शंकाएं हैं वो समय रहते दूर होंगी और जो अन्य बातें हैं उन पर संशोधन करने के लिए हमारी केंद्र सरकार तैयार है और भी जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर मिलेंगे, मिलेंगे उनको सरकार पालन करेगी तो इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस बात में ऐसी परिस्थिति बने कि इसका कोई ना कोई हल ना निकले बड़े से बड़े जो मसले हैं वो बात के जरिए सुलझाए जाते हैं और मुझे लगता है कि इस बार की अब जो चर्चा होने वाली है

कि ये जो मुद्दा है किसानों का जिसे कह रहे हैं कि, कि बड़े किसान है छोटे किसान तो एक बार क्या हमारे प्रधानमंत्री जी या मंत्रियों की टीम किसानों के बीच में जाके बैठ के बात नहीं कर सकती हर बार आप उनको ही अपने पास बुला रहे हो एक बार आप भी उनके बीच में जाके बैठ के बात कर लें या आप समझें सर्वदलीय बैठक सर्वदलीय लोगों को बुला के बात भाई ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है ये देश के भविष्य का मुद्दा है

कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात वहाँ सामने आएगी लेकिन इस पूरे मसले पर आ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक तरफ जहाँ किसानों ने पूरा संयम रखा है वहीं सरकार की भूमिका भी बहुत ही पॉजिटिव और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रही है आ, ये कांग्रेस का नज़रिया है कि वहाँ प्रधानमंत्री या मंत्रियों को जाना चाहिए केंद्र सरकार के तो केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री बात कर ही रहे हैं और विजय जी तो बहुत ही सीनियर एक राजनेता हैं हम सभी ये भी जानते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिमंडल की और उसके सभी मंत्री जो हैं वो उसी हैसियत से किसी भी प्रतिनिधिमंडल से बात करते हैं किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं 2020 में भी दुनिया में हुई हैं और 2021 के आरंभ में भी हुई हैं लेकिन भारत ने ये बताया है सबको कि हम ना सिर्फ कोविड से निपट सकते हैं बल्कि 140 करोड़ के आबादी के देश में अगर कोई बड़ी परेशानियां भी आती हैं चुनौतियां भी आती हैं और बड़े बड़े मसले आए हैं राम जन्मभूमि का मसला रहा है ट्रिपल तलाक का मसला रहा है जम्मू कश्मीर से धारा को हटाने 370 को हटाने का मसला रहा है ये तमाम मुद्दों से जिस तरह भारत निपटा है उससे भारत के लोकतंत्र की भारत के राजनेताओं की साख बढ़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि उस साख की रक्षा हर स्थिति में किसान आंदोलन में भी होगी और होनी ही चाहिए あ。